हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सूर्यवंशी ट्यूटोरियल्स द लर्निंग जंक्शन। दोस्तों आज हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं कि हम किस तरीके से यहां पर अपने इमेज टू वीडियो हम यहां पर किस तरीके से जनरेट कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम चलते हैं अपने गूगल क्रोम के ऊपर। दोस्तों आप देख सकते हैं हम यहाँ पर अपने गूगल क्रोम के ऊपर आ चुके हैं। और यहाँ से हमको क्या करना है, सिंपली टाइप करना है रनवे ML। ठीक है, रनवे ML आप टाइप करेंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पर रनवे ML है। एंड रनवे ML के ऊपर आपको सिंपली क्या करना है, एंटर कर देना है। तो सबसे ऊपर ही आपको यहाँ पर वेबसाइट मिल जाएगी runwayml.com, रनवे एडवांसिंग क्रिएटिविटी विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, तो आपको सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना है। एंड आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर आपके सामने सिंपली ये पेज ओपन हो जाएगा। आपको इसके ऊपर जाना है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है ट्राई रनवे फॉर फ्री। ठीक है, इसके ऊपर आपको सिंपली क्लिक करना है। दोस्तों यहाँ पर साइन अप के लिए मांगे, आपको सिंपली साइन अप कर लेना है। आप देख सकते हैं साइन अप करने के बाद में आपके सामने सिंपली ये पेज ओपन हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, आपको क्या करना है, आप देख सकते हैं यहाँ पर इस तरीके से इंटरफेस आपको दिखाई देगा। एंड यहाँ पर आपको काफी कुछ देखने के लिए मिल जाएगा। आपको यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर मिल जाएगा पॉपुलर AI मैजिक टूल्स, तो आप इनको यूज कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर वीडियो टू वीडियो है, इमेज टू वीडियो है, टेक्स्ट टू वीडियोस आप यूज कर सकते हैं, रिमूव बैकग्राउंड यहाँ से आप कर सकते हैं, टेक्स्ट टू इमेज यूज कर सकते हैं, एंड इमेज टू इमेज आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। एंड इसी तरीके से काफी सारे यहाँ पर और भी टूल्स यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएंगे दोस्तों। एंड दोस्तों मैं आपको बता दूं, इसके काफी सारे टूल्स के ऊपर मैंने पहले ही वीडियोस बनाई हुई है, तो आपने अगर अभी तक वो नहीं देखी है तो आप जाके देख सकते हैं। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो वहां से आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। इसके साथ में आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको मिल जाएगा टेक्स्ट टू वीडियो और इमेज टू वीडियो का ऑप्शन। जेन टू यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। एंड यहाँ पर अगर आप नीचे की तरफ जाते हैं तो यहाँ पर आपको ट्यूटोरियल्स मिल जाते हैं। इसी के साथ में डिस्कवर एंड रिमिक्स भी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है, जो लोगों ने क्रिएशंस की हुई है वो सारी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगी। तो आपके सामने सिंपली ऊपर ही यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको मिल जाएगा ब्रिंग योर इमेज टू लाइफ विद जेन टू। तो यहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हैं, स्टार्ट विद इमेज। इसी के साथ में यहाँ से भी आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा जेन टू का। तो जेन टू यहाँ पर आपको देख सकते हैं, यहाँ पर आपको मिल जाएगा टेक्स्ट और इमेज टू वीडियो, तो इससे भी आप वहां पर जा सकते हैं। तो कहीं भी आपको क्लिक कर सकते हैं, जहां भी आप चाहें। अगर आप यहाँ पे हैं तो यहाँ पर स्टार्ट विद इमेज के ऊपर आप क्लिक कर देंगे। ठीक है, एंड आप देख सकते हैं दोस्तों आपके सामने सिंपली ये पेज ओपन हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर ऊपर ही आपको मिल जाएगा AI मैजिक टूल्स एंड टेक्स्ट इमेज टू वीडियो। ठीक है, आप टेक्स्ट से कर सकते हैं, इमेज टू वीडियो कर सकते हैं, कुछ भी आप कर सकते हैं। एंड यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा इमेज प्लस डिस्क्रिप्शन। आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अपनी इमेज दे सकते हैं एंड वहां पर अपना डिस्क्रिप्शन भी टाइप कर सकते हैं, जिस भी सीन में आपको चेंज करनी है अपनी इमेज को, जैसा भी बनाना है, जिस तरीके से आपको मूवमेंट करनी है उसके अंदर, जिस तरीके से मोशन डालने हैं, वो आप यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं हम अपने इमेज टू वीडियो के ऊपर। इमेज टू वीडियो आपको कैसे करनी है मैं आपको बता दूं। इमेज टू वीडियो के लिए सबसे पहले आपको इमेज के ऊपर क्लिक करना है एंड यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाते हैं दोस्तों अपलोड ए फाइल और सिलेक्ट फ्रॉम एसेट्स। तो आप इनके एसेट्स से भी यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पर अपलोड ए फाइल के ऊपर भी क्लिक कर सकते हैं। जो भी आपको करना है वो आप कर सकते हैं, या तो इनके एसेट्स से जा सकते हैं या फिर आप अपलोड अ फाइल पे कर सकते हैं। तो अपलोड ए फाइल हम कर लेंगे एंड अपने कंप्यूटर से यहाँ पर फाइल को ले लेंगे। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर अपनी इमेज को ले लिया है एंड यहाँ पर आपको सिंपली क्या कर सकते हैं, इसको जनरेट के ऊपर आप क्लिक कर सकते हैं। इसी के साथ में आपको अगर मोशन चेंज करना है, अपने हिसाब से मोशन करना है, तो मोशन के ऊपर आप क्लिक करेंगे एंड आप देख सकते हैं यहाँ पर आप इसकी इंटेंसिटी बढ़ा सकते हैं और घटा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं इसकी इंटेंसिटी को बढ़ाना तो आप बढ़ा सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं इसकी इंटेंसिटी को कम करना तो वो भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर मैं मान लीजिए मैं यहाँ पर 7 इसकी इंटेंसिटी रखता हूँ एंड उसके बाद मैं यहाँ पर इसको जनरेट करूंगा। ठीक है, 7 मैंने यहाँ पर रख लिया। उसी के साथ मैं आपको एक और चीज बता देता हूँ, यहाँ पर आप कस्टम कैमरा कंट्रोल्स भी कर सकते हैं। इसके ऊपर आप सिंपली क्लिक करेंगे एंड आप देख सकते हैं आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर, अगर आपको हॉरिजॉन्टल मूव करनी है अपने इमेज को तो आप हॉरिजॉन्टल कैमरा सेटिंग पर क्लिक कर सकते हैं। राइट करना है या लेफ्ट करना है वो भी आप यहां से कर सकते हैं। इसी के साथ में वर्टिकली अगर आपको करना है तो वो भी आप कर सकते हैं, और अगर जूम इन या फिर जूम आउट आपको करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। इसी के साथ में आप रोल कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको रोल करना है तो आपको इन सभी को यहाँ पर हटाना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप रोल करेंगे तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल का कोई काम नहीं रहेगा। ठीक है, तो आप सिंपली यहाँ से कर सकते हैं, और जूम इन और जूम आउट का ऑप्शन आपको मिल जाता है। यहाँ से आप रोल करते हुए जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। उसी के साथ में मैं आपको बता दूं, यहाँ पर आपको स्पीड कंट्रोल का भी ऑप्शन मिल जाता है कि कितनी स्पीड में आपको यहाँ पर चाहिए, तो आप यहाँ पर स्पीड टाइप कर सकते हैं। मान लीजिए मुझे यहाँ पर 7 स्पीड चाहिए तो वो मैं यहाँ पर टाइप कर सकता हूँ। इसी के साथ में अगर आपको रोल करना है तो वो कर सकते हैं। मुझे यहाँ पर चाहिए हॉरिजॉन्टल तो मैं हॉरिजॉन्टल यहाँ पर सिलेक्ट कर लूंगा। ठीक है, मैं यहाँ पर
राइट की तरफ कर लेता हूँ एंड वर्टिकली मैं यहाँ पर अपवर्ड की तरफ कर दूंगा, ठीक है। और मुझे जूम इन करना है तो मैंने यहाँ पर कर दिया, ठीक है। इसके साथ मैं क्या करूंगा, यहाँ पर आपको जनरेट का ऑप्शन मिल जाता है, तो सिंपली हम क्या करेंगे यहाँ पर जनरेट के ऊपर क्लिक कर देंगे एंड हम देखते हैं जो हमारी वीडियो है वो यहाँ पर किस तरीके से जनरेट होकर के आती है। दोस्तों ये आपके सामने कुछ ही सेकंड में जनरेट होकर के आ जाती है, तो आपको सिंपली थोड़ा सा वेट कर लेना है यहाँ पर। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमारे सामने जो वीडियो है वो यहाँ पर जनरेट होकर के आ चुकी है। मैं आपको इसको जूम करके यहाँ पर इसको प्ले करके हम देख सकते हैं यहाँ पर किस तरीके की जो हमारी वीडियो है वो जनरेट हुई है। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से इसने यहाँ पर जनरेट किया वीडियो को एंड कुछ इस तरीके से यहाँ पर ये हमारे सामने रिजल्ट आया है दोस्तों। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर सिलेक्ट किया था अपना वर्टिकली अपवर्ड की तरफ, तो यहाँ पर ये वर्टिकली अपवर्ड की तरफ जा रहा है एंड यहाँ पर हॉरिजॉन्टली जो हमने राइट की तरफ सिलेक्ट किया था कैमरा, तो उस तरीके से भी यहाँ पर ये हॉरिजॉन्टली राइट की तरफ मूव हो रहा है कैमरा एंड अपवर्ड की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने जो सेटिंग की थी वो सेटिंग्स यहाँ पर वर्क कर रही है और काफी अच्छी तरीके से यहाँ पर ये काम कर रहा है। बट यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर ये स्क्रीन जो फेस है उसको ये चेंज कर देता काफी ज्यादा, ठीक है। तो आपको ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा एंड अगर आपको चाहिए तो दोबारा आप इसको यहाँ पर क्या करते रीजनरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इसको थोड़ा तो आपको इसको जनरेट करना पड़ेगा, एक दो बार यहाँ पर आप जनरेट करेंगे तो यहाँ पर अच्छे रिजल्ट्स आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल सकते हैं दोस्तों, ठीक है। अगर आपको चाहिए यहाँ पर डिस्क्रिप्शन टाइप करना है तो आप सिंपली यहाँ से क्या कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग भी यहाँ पर डिस्क्रिप्शन टाइप कर सकते हैं एंड देन आपको यहाँ पर जनरेट कर सकते हैं। हम यहाँ पर अपना डिस्क्रिप्शन टाइप करते हैं, यहाँ पर हम देखेंगे अपना जो रिजल्ट है वो कितना हद तक सही होता है यहाँ पर, ठीक है। तो मैं यहाँ पर टाइप कर देता हूँ, देख सकते हैं मैंने यहाँ पर टाइप किया है जूम आउट फ्रॉम द आई ऑफ द गर्ल, ठीक है। तो हम लड़की की आंख से जो इसकी आई है उससे यहाँ पर हम जूम आउट करेंगे एंड हम देखते हैं यहाँ पर ये किस तरीके से वर्क कर सकता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर कुछ सेटिंग्स भी यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ, आप देखते हैं यहाँ पर हॉरिजॉन्टल एंड इस तरीके से जो सिलेक्टेड है वो भी हम यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप चाहें तो इसको यहाँ पर छोड़ सकते हैं, हम यहाँ पर इसको अभी छोड़ देते हैं एंड बैक टू जनरल मोशन के ऊपर आप क्लिक कर सकते हैं। तो सिंपली मैंने बैक टू जनरल मोशन के ऊपर क्लिक कर दिया एंड इसकी जो इंटेंसिटी है वो भी मैं यहाँ पर 6 कर देता हूँ अभी, ठीक है। उसके बाद में आपको सिंपली क्या करना है, सिंपली मैं यहाँ पर जनरेट के ऊपर क्लिक करूंगा एंड हम देखते हैं यहाँ पर जो हमारा रिजल्ट है वो यहाँ पर किस तरीके से आता है। दोस्तों मैंने यहाँ पर जनरेट के ऊपर क्लिक कर दिया है एंड हम देखें यहाँ पर जो अभी हमारा जनरेट होके आने वाली है वीडियो वो किस तरीके से आएगी। तो आपको सिंपली थोड़ा सा वेट करना है एंड उसके बाद में आपके सामने कुछ ही सेकंड्स में ये वीडियो जनरेट करके दे देता है दोस्तों, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से जो हमारे रिजल्ट है वो यहाँ पर आ चुका है दोस्तों एंड आप देखेंगे तो यहाँ पर ये हमने जो इसको प्रॉम्प्ट दिया था वो दिया था कि जूम आउट करना है यहाँ से आई के अंदर, बट इसने उल्टा कर दिया, जूम इन किया इसने आई के ऊपर, ठीक है। तो ये भी काफी अच्छा यहाँ पर रिजल्ट हमें देखने के लिए मिला है, तो इसको भी आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं अपनी वीडियोज के अंदर। ओके दोस्तों, तो इसी तरीके से आप यहाँ पर अपने जो डिस्क्रिप्शन है उसको टाइप कर सकते हैं एंड यहाँ पर इसको यूज कर सकते हैं दोस्तों। उसी के साथ मैं आपको बताऊं यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमने यहाँ पर वीडियो जनरेट किया है उसके ऊपर यहाँ पर आपको मिल जाएगा एक्सटेंड 4 seconds, ठीक है। तो आपको मैं बता दूं दोस्तों यहाँ पर ये 4 seconds की वीडियो यहाँ पर जनरेट होती है और अगर आप यहाँ पर चाहते हैं तो आप यहाँ पर एक्सटेंड कर सकते हैं 4 seconds को। अब मान लीजिए आपको यहाँ पर ये पसंद आ रही है तो आप उसको यहाँ पर एक्सटेंड करना चाहते हैं 4 seconds के लिए, तो आप क्या करेंगे सिंपली यहाँ पर क्लिक करेंगे एंड एक्सटेंड यहाँ पर ये हो जाएगा 4 seconds के लिए। मैंने यहाँ पर एक्सटेंड 4 seconds किया है एंड यहाँ पर अब देखते हैं यहाँ पर जो हमारे सामने रिजल्ट आया वो किस तरीके से हमारे सामने यहाँ पर आने वाला है दोस्तों। ओके दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारी जो 8 seconds की वीडियो है वो यहाँ पर जनरेट होकर के आ चुकी है एंड हम इसको करते हैं यहाँ पर प्ले और देखते हैं यहाँ पर जो हमारा रिजल्ट है वो किस तरीके से आया है। आप देख सकते यहाँ पर 8 seconds लिखा हुआ है एंड यहाँ पर 8 seconds की जो हमारी वीडियो है वो यहाँ पर जनरेट हो चुकी है। तो मैं इसको सिंपली प्ले करता हूँ एंड हम यहाँ पर देखते हैं कि जो रिजल्ट है इसने किस तरीके का जो हमारा 4 seconds हमने एक्सटेंड किया है वो यहाँ पर किस तरीके से आया है। तो आप देख सकते हैं इसने जो हम यहाँ पर 4 seconds को एक्सटेंड किया है वो यहाँ पर आई में ही यहाँ पर ये लेके चला गया 4 seconds को। तो यहाँ पर ये कुछ ज्यादा सही नहीं लगा मुझे यहाँ पर और आप इसको यहाँ पर सिंपली क्या कर सकते हैं रीजनरेट कर सकते हैं एंड रीजनरेट करके देख सकते हैं आप किस तरीके से यहाँ पर ये आपको चाहिए, ठीक है। तो आप सिंपली इसको रीजनरेट करके देख सकते हैं दोस्तों, जब तक आपको यहाँ पर एक अच्छा रिजल्ट ना मिले तब तक आप इसको रीजनरेट कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आपको ध्यान रखना अपने क्रेडिट्स का, ठीक है। तो आपको यहाँ पर कुछ क्रेडिट्स मिलते हैं एंड कुछ सेकंड्स यहाँ पर आपको मिलते हैं जो आप यहाँ पर जनरेट कर सकते हैं वीडियोस को। इसके बाद आपको इसका सिंपली
प्री प्लान लेना पड़ेगा अगर आप इसको यूज करना चाहते हैं तो, ठीक है। और अगर आप यहाँ पर इसके बावजूद भी फ्री यूज करना चाहते हैं तो सिंपली आपको इसमें दूसरी ईमेल आईडी से यहाँ पर लॉगिन कर लेना है, ठीक है। दोस्तों आप देखते हैं मैंने यहाँ पर एक इस तरीके से वीडियोज यहाँ पर जनरेट की थी पहले, एंड यहाँ पर आप इसी तरीके से आप भी यूज कर सकते हैं वीडियोज को, ठीक है। आप देखते हैं कुछ इस तरीके से यहाँ पर ये वीडियो जनरेट की थी, तो यहाँ पर ये काफी दो तीन बार यहाँ पर ट्राई करने के बाद में कुछ इस तरीके का रिजल्ट हमें यहाँ पर देखने के लिए मिला था, ठीक है। तो आप भी इसी तरीके से यूज कर सकते हैं, एंड अगर आप यहाँ पर दो तीन बार जनरेट करते हैं तो आपको यहाँ पर ये कुछ तरीके का रिजल्ट आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ये देखिए काफी अच्छा रिजल्ट यहाँ पर हमें देखने के लिए मिला इस तरीके से, तो आप भी इस तरीके से यूज कर सकते हैं इसको। एंड मैं दूसरा रिजल्ट अगर आपको यहाँ पर दिखाऊं तो दूसरी वीडियो हमारे पास है एक और, तो आप देखते हैं यहाँ पर ये एक इमेज थी, इस इमेज को मैंने यहाँ पर अपलोड किया था, एंड इस इमेज को अपलोड करने के बाद में जो हमारी वीडियो है वो यहाँ पर ये कुछ इस तरीके की जनरेट होकर के हमारे सामने आई थी दोस्तों, ठीक है। तो आप भी इसी तरीके से यहाँ पर अपलोड करके यूज कर सकते हैं, एंड वीडियोज में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आप टेक्स्ट टू वीडियो करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पे सिंपली कर सकते हैं, और अगर आप यहाँ पर चाहते हैं कि आपकी इमेज टू वीडियो आपको जनरेट करनी है तो वो भी आप यहाँ पे सिंपली कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए हम इस वीडियो के अंदर इतना ही रखते हैं, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें दोस्तों। तो मिलते हैं फिर ऐसी ही एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।